हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आज बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो इस चैप्टर का यानी इस चैप्टर का पार्ट टू वीडियो है, पहले मैंने एक वीडियो पहले बना चुके हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। यानी पहले मैंने इसके पहले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन बता चुके थे यानी टाइप 1 का, और उसी टाइप 1 में का जो बच्चे हुए जो क्वेश्चन है और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं देखते हैं ये कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे और उसके इस फंक्शन का यानी डोमेन और रेंज, ये सबसे जरूरी है टाइप 1 के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 जो दिया गया है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर वाट, यानी कितना होगा। तो हम जानते हैं ये तो फॉर्मूला ही है कि जब साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो उसका जो वैल्यू जो होता है पाई बाई टू होता है। यानी साइन इनवर्स, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू होता है। तो सेम यही है, यहां पर देख रहे हैं जो एक्स की जो वैल्यू है 1/2 है और यहां पर भी एक्स की जो वैल्यू है 1/2 है। और जो साइन इनवर्स जो है यह इसका जो रेंज जो है यहां पर दिख रहा है यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच ये बिलोंग करता है। तो आप ये जो है यहां पर देख रहे हैं कि सही जो है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो कि जो होता है वो पाई बाई टू के बराबर होता है, इसलिए इसका भी जो आंसर जो होगा आपका पाई बाई टू ही होगा। यह होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है, और 7 में क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है कि टैन इनवर्स इनटू टैन 7π/6 बराबर वाट, यानी क्या होगा। तो सबसे पहले एक और बात जानेंगे कि जो यहां पर जो दिख रहा है कि जो टैन जो है यानी इसकी जो रेंज जो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच ही होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 7π/6 है यानी इसके अतिरिक्त यानी और अधिक है जो इसकी रेंज जो है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक बताया था कि इसको तोड़ने के लिए चार ही फॉर्म तोड़ेंगे यानी पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा और 2π-θ और 2π+θ के फॉर्म में तोड़ेंगे। बस ये जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन जो है इसी चार ट्रिक पर वो बन जाएगा
और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप रेंज उठाकर देख लेंगे कि जो इसकी जो ये टैन इनवर्स की जो वैल्यू दिया गया है या इसका वैल्यू यानी इस दोनों का रेंज के बीच जो विलंब करता है कि नहीं करता। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको बनाते हैं tan इनवर्स इंटू tan, अब हमें 7π/6 लाना है तो कैसे तोड़ेंगे, यानी पाई प्लस थीटा के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देख लेते हैं पाई और प्लस पाई बाय सिक्स, ये जो ये इसमें यानी जब इसका हम हल करेंगे तो ये 7π/6 भी आ जाएगा, यानी इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 6π होगा और 6π में 1 जोड़ेंगे तो 7π/6 हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि tan 180 प्लस थीटा बराबर ही tan थीटा होता है, यानी यह जो होता है ये पॉजिटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है यानी यह थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये तृतीय चतुर्थांश में यह होता है, तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका tan पाई प्लस पाई बाय सिक्स। चूंकि इतना बार इसको हम थीटा ही मान लेते हैं, यानी यह हो जाएगा आपका tan और tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर एक आपका tan थीटा हो जाएगा, एक tan पाई प्लस पाई बाय सिक्स हो जाएगा और tan इनवर्स इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा, यानी ये आपका tan थीटा हो जाएगा। अब tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है, यानी tan पाई बाय सिक्स बराबर tan थीटा हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा पाई बाय सिक्स, यानी पाई बाय सिक्स का वैल्यू जो होता है वह 30 डिग्री होता है। तो यह जो है इसका tan यानी tan इनवर्स का जो रेंज जो है माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू के बीच है, यह जो विलंब करता है। तो चलते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कौन सी क्वेश्चन दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। साइन इनवर्स इंटू साइन 3π/5 यह जो दिया गया है, यानी इतना बराबर इतना होगा। तो चलते हैं वैसा ही इसको हल करेंगे, यानी यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स इंटू साइन इंटू 3π/5 बराबर थीटा मान लेते हैं। अब यह साइन इनवर्स जो है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 3π/5 बराबर यह हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आप इसको तोड़ते हैं, यह हो जाएगा साइन, अब यहां पर 3π/6 यानी 18 54 और 54 यानी आपका 540 डिग्री और 540 में 5 से भाग करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा, यानी
यह जो है 3π/6 जो है यानी sin इनवर्स जो ये फंक्शन जो है इसकी जो रेंज जो है -π/2 और π/2 के बीच ही इसका जो रेंज होता है, लेकिन इस यहाँ पर इसकी रेंज जो है काफी अधिक है, यानी इन दोनों के बीच ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको तोड़ेंगे, यानी यह हो जाएगा 2π plus 2π/5, क्योंकि 5 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5π हो जाएगा, यहां पर माइनस होगा 5π में से 2π घटेगा तो 3π/5 आ जाएगा आपका, यानी फिर वैसा ही फॉर्म में आ जाए बराबर साइन थीटा होता है। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो होता है साइन पाई माइनस 2π/5 बराबर साइन थीटा हो गया, और यहां पर यानी 360 डिग्री/5 आ रहा है, यानी हम जानते हैं यह 2π/5 जो है यह बिलोंग कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी पहला चतुर्थांश में होगा, तो यह होगा पॉजिटिव में ही होता है, पहले चतुर्थांश में और पॉजिटिव ही होता है, तो चलते हैं, यानी यह हो जाएगा साइन 2π/5 बराबर साइन थीटा हो जाएगा, अब साइन से साइन कट जाएगा, आपका थीटा बराबर आ जाएगा 2π/5 आ जाएगा, यह होगा आपका राइट आंसर, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो देख लेते हैं यहां पर इसकी वैल्यू जो होगी, अगर बात कर लेते हैं तो 2 × 180/5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 3 यहाँ पर 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, 36 × 2 = 72। यहाँ पर जो साइन का साइन इनवर्स यानी फंक्शन का जो रेंज जो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है, और यह जो है 72 डिग्री जो है आपका आपका इन दोनों के बीच बिलोंग करता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है। अगर आपको कहीं भी सस्पिशन लगता है कि ये जो हम जो इस चैप्टर का सवाल आपको समझ नहीं आता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स into cos 13π/6 बराबर व्हाट। तो चलते हैं वैसा ही इसको हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, तो चलते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन। यह हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos, अब इसको कैसे तोड़ेंगे कि यह जो है इस फॉर्म में फिर वो वापस आ जाए। हमने पहले बताया कि चार ही ट्रिक पर यह जो है आपको बन सकता है π-θ, π+θ, 2π+θ, 2π-θ, ये चार ही जो है इसके रूल पर बन सकता है, और आपको अगर और समझ नहीं आता होगा तो ये आपका यहाँ पर रेंज हम लिख दिए हैं, उस रेंज में आप देख लीजिएगा जो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू दिया गया है इस रेंज के अंदर, यानी ये जितने सारे जो है ये फंक्शन जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है इन फंक्शन के बीच जो ये इसका जो रेंज दिया गया है उसमें बिलोंग करता है कि नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। यह हो जाएगा आपका
तोड़ेंगे तो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 6 दुनी 12 आए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी आपका 13 पाई बाय 6 हो जाएगा बराबर, इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स है, अब इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो यह हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका कॉस इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद हम चीजें देखते हैं, यह जो है कॉस जो है इस रेंज के बीच बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो यहां पर 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है आपका 100, यानी पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, तो यह जो आपका यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो चलते हैं, यह हो जाएगा आपका कॉस पाई बाय 6 बराबर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा आपका थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाय 6, यह होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहां पर पाई बाय 6 जो है 0 और पाई बाय पाई के बीच का ये जो है बिलोंग करता है, यानी इसका वैल्यू यहां पर 30 डिग्री होगा, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री होता है, और यहां पर कॉस 360 प्लस थीटा, यानी ये कॉस थीटा ही होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अलग टाइप देखेंगे कि अलग टाइप क्या है। इसके पहला मैं और एक और विधि से आपको हम बताएंगे, यानी वह थोड़ा लंबा विधि पड़ेगा, यानी दो टाइप से इसको बना सकते हैं, ये शॉर्ट टाइप हुआ और एक टाइप और होगा यानी इससे लंबा होगा। तो चलते हैं, इसके अगले वीडियो में हम उस टाइप को चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यानी कहीं भी अगर दिक्कत परेशानी अगर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को हल कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।